नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। केंद्रीय कारागार आगरा में आगरा, फिरोजाबाद और हाथरस के जाने माने हास्य वीर और श्रृंगार रस के कवियों ने बंदियों के समक्ष रंगोत्सव कार्यक्रम में अपना काव्य पाठ प्रस्तुत किया। भगवान परशुराम चौक स्थापना समिति और जनसंदेश टाइम्स समाचार पत्र के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार केंद्रीय कारागार के DIG आरके मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र दीक्षित, केंद्रीय कारागार के DIG आरके मिश्रा, प्राचीन कैलाश मंदिर के महंत गौरव गिरी गोस्वामी, जन संदेश टाइम्स समाचार पत्र के संपादक नितेश शर्मा, परशुराम चौक स्थापना समिति के अध्यक्ष विपिन शर्मा, आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण समाचार पत्र के संपादक अखिल दीक्षित, IMA आगरा के सेक्रेटरी डॉक्टर पंकज नगायच, कार्यक्रम संयोजक कवि दिनेश अग्रिया, संचालक दीपक दिव्यांशु, डिप्टी जेलर आलोक सिंह ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। अतिथि देवो भवा की परंपरा का निर्वहन करते हुए आयोजन समिति की ओर से कवियों और अतिथियों का पटका और मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। जनसंदेश टाइम्स समाचार पत्र के संपादक नितेश शर्मा, भगवान परशुराम चौक स्थापना समिति के अध्यक्ष विपिन शर्मा ने संयुक्त रूप से सभी अतिथियों का स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलन के पश्चात शहर की प्रतिष्ठित कवि निभा चौधरी ने मां सरस्वती वंदना कर काव्य पाठ का विधिवत शुभारंभ किया। बहुत प्रणाम करती हूँ माँ शारदे के श्री चरणों में वंदना रखती हूँ। आप सभी उसमें शामिल हो ऐसा मेरा मन है। मैं रखती हूँ सुने कि कोटि कोटि अभिनंदन माते, कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन माते, कोटि कोटि अभिनंदन है। वाह वाह वाह, तेरे चरणों में नतमस्तक, तेरे चरणों। मौके पर युवा कवि देश दीपक शर्मा ने हास्य व्यंग के माध्यम से कैदियों की जमकर तालियां बटोरी। फिरोजाबाद से आए कवि पंकज टूट पड़े ने अपने नाम के अनुरूप काव्य पाठ प्रस्तुत कर कैदियों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। जाने माने कवि भूपेंद्र भूपी ने अपने काव्य पाठ के माध्यम से कैदियों को खूब हंसाया। श्रृंगार के कवि प्रकाश गुप्ता विभाग ने अपनी गजल के माध्यम से केंद्रीय कारागार में संगीत का समा बांध दिया। कार्यक्रम संचालक दीपक दिव्यांशु ने कवियों के काव्य पाठ के माध्यम से अपनी कई कविताएं प्रस्तुत कर कैदियों को खूब गुदगुदाया। दाल है महंगी, तेल है महंगा, अब रसोई का खेल है महंगा। अच्छा, अब घर बारी ना लिस्ट थमाई, जेब कर गई भाप बोलो लब पलाई लब। बहुत बड़ी तो से ही अपना दिल को रचना चाहता है। अपने हाथों से ही अपना दिल को रचना चाहता है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है, ऐसा माहौल मुझे, मैं ऐसे बता रहा हूँ मिश्रा सर, मुझे यहाँ पे पहली बार मिला है। नहीं तो आप यकीन करेंगे मैं भिखारियों को पैसे दे दे के शेर सुनाता हूँ। नहीं तो आपको अगर पसंद आ जाए तो यही आपको छोड़ जाए। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। अभी कल ही हमारे घर पे एक भिखारी आया, मैंने कहा बाबा 5 रुपए ले लो, 2 शेर सुन लो। उनमें तुरंत जेब में हाथ डाला, 10 का नोट निकाल लिया, कह रहा ये रख ले शेर में सुनियो। जय स्थिति है भाई। बोले ठीक है, कल कह रही थी, मैंने क्या कह रही थी, बोले सब्जी काय की बनाओ, तो मैंने कहा कि आलू बना ले। बोली रोज रोज, तो फिर मैंने कहा कि गोभी बना ले, कल ही तो बनाई थी, कि तो दाल बना ले, पिंकी को पसंद नहीं, कि तो पनीर बना ले, अच्छा थोड़ी बहुत डाइटिंग भी कर लो। मतलब कितने भी बड़े IAS बन जाओ, कितने भी बड़े प्रोफेसर बन जाओ, लेकिन पत्नी टेस्ट लेती रहती है कि तू होगा बाहर के लिए IAS, घर पे तेरी औकात क्या है। मैं बताती हूँ, अपनी पसंद की सब्जी भी नहीं खा सकता तू, बजाओ ये बैठो। इस मौके पर प्रमुख रूप से उत्तर भारत की ऐतिहासिक प्राचीन कैलाश मंदिर के महंत गौरव गिरी गोस्वामी, समाज सेवी नितेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन हास्य कवि और कार्यक्रम संयोजक दिनेश अग्रिया और दीपक दिव्यांशु द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आज यहां पर होली मिलन का कार्यक्रम था और ये होली मिलन का कार्यक्रम हास परिहास के साथ मैं चाह रहा था कि अपने बंदियों के मध्य मनाऊं, इसीलिए हास्य कवि सम्मेलन का, वैसे तो कवि सम्मेलन था, मुख्यतः हास्य कवि सम्मेलन के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था ताकि बंदियों में उत्साह और उमंग उत्पन्न हो,
यहाँ पर बंदी कोठरियों में रहते हैं और बड़ी स्थिर दिनचर्या है, स्थिर प्रवृत्ति है। मानव जीवन में सबसे ज़्यादा उदासी उबासी स्थिर परिस्थिति से आती है, उसमें कुछ न कुछ उतार चढ़ाव ही जीवन का आनंद है। यहाँ पर एक रास्ता है, उसी एक रास्ता को भंग करने के लिए बीच बीच में प्रवचन, खेलकूद, योगा, व्यायाम के कार्यक्रम कराए जाते हैं। उसी कड़ी में ये कवि सम्मेलन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कराया गया ताकि बंदियों के जीवन में हर्ष उल्लास उत्पन्न हो और इसी तरह इनका हर्ष और उल्लास के साथ जीवन करता जाए। नहीं तो ये जगह यहाँ पर चूंकि सेंट्रल जेल है, यहाँ पर आजीवन कारावास के बंदी हमारे साथ रहते हैं, तो उनके जीवन में यदि अवसाद उत्पन्न होगा, यदि तनाव उत्पन्न होगा, तो वो पलायन की सोचेंगे, आत्महत्या की सोचेंगे या पागलपन के शिकार होंगे। तो इन परिस्थितियों से बचाने के लिए उन्हें यह कार्यक्रम आयोजित कराया गया। इसी के साथ यहाँ पर एक बंदी मनोवैज्ञानिक शाला का भी हम लोगों ने परामर्श केंद्र का उद्घाटन कराया है ताकि जिसको भी थोड़ा भी डिप्रेशन, मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन या कुछ भी परेशानी महसूस करता हो तो वो वहाँ पर जाकर परामर्श ले सके। तो मूल उद्देश्य है कारागार के अंदर हर्ष और आनंद के साथ प्रशासन, सख्त प्रशासन। जैसे कारागार मंत्री जी ने कहा है कि सुबह गायत्री मंत्र का जाप और उनका जाप, उससे कितनी मनोदशा में परिवर्तन आया है बंदियों? देखिए, यह तो तय है, मंत्र शब्द जो है इसकी जब आप व्याख्या करें, मन को जो तार दे वही मंत्र है। मन को जो तार दे, या तार दे यानी एक एक उसको जो भटका हुआ मन है उसको स्थिरता में ले आए, उसको मंत्र कहते हैं। तो मंत्र में शक्ति होती है, मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, तो या तो अपने आप में है। रही बात ये जो गायत्री मंत्र और ये महामृत्युंजय मंत्र वगैरह का जो हम लोग बजाते हैं, जाप कराते हैं, कुछ बंदी जाप भी करते हैं, तो इससे उनके जीवन में शांति खुशहाली आ रही है। कारागार के अंदर कोई मारपीट नहीं होती, कोई उपद्रव नहीं होता, कोई भूख हड़ताल नहीं होती। यहाँ पर मुझको आए लगभग 4-5 महीने हो गए, इन 5 महीने में कभी भी मुझे प्रशासनिक रूप से बंदियों के मध्य नहीं आना पड़ा। और आज भी जैसे आप देखेंगे भीड़ में मैं जाऊँ तो वो जैसे कोई साधु संत जाता हो ऐसे ही वो मुझे घेर लेते हैं और अपनी बात कहते हैं। तो ऐसा एक विश्वास हमने अर्जित किया है यहाँ पर।